हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपिका और स्वागत करती हूँ आप सबका दीपिका होम किचन में। आज मैं आप सबके लिए विंटर स्पेशल ड्राई फ्रूट्स लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है दोस्तों। जाड़े का मौसम शुरू हो रहा है तो हमें सर्दी, खांसी, जुकाम, कमर दर्द वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती हैं, तो यह लड्डू इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाते हैं ये टेस्टी और हेल्दी लड्डू। तो मैंने यहाँ बादाम लिया है, काजू लिया है और मखाने लिए हैं, और मैंने ये मूंगफली लिया है, और ये चना है जिसका सत्तू बनता है, वो फूटा हुआ चना होता है वही लिया है, और मैंने पम्पकिन सीड लिए हैं, ककुम्बर सीड लिए हैं, और ये अलसी के बीज लिए हैं जिसे फ्लैक्स सीड भी कहते हैं, और मैंने किशमिश लिए हैं। आप सभी अच्छी क्वालिटी के लिए साफ, और ये अखरोट है, और मैंने दो बड़ी वाली इलायची के दाने लिए हैं जिसे हम कूट कर डालेंगे लड्डू में। ये गोंद है जिसके सर्दियों में गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं। अब हम आटा निकाल लेंगे। ये बेसन का आटा लिया है मैंने, और ये गेहूं का आटा लिया है, और ये रागी लिया है, ये इलायची पाउडर लिया है मैंने, गुड़ लेंगे और घी लेंगे, और भी बहुत सारा सामान है, मैं बाद में लेकर आती हूँ तो फिर बताती हूँ क्या क्या लिया है मैंने। अभी तत्काल मैंने इतना सामान निकाल लिया है और लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो कढ़ाई में हम ढेर सारा घी लेंगे। सबसे पहले हम गोंद को भून कर निकाल लेंगे, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा घी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इसे मीडियम फ्लेम पर भूनना है, छान कर निकालना है। इसे धीरे धीरे चलाते रहें, ये चारों साइड से ये अच्छी तरह फूल कर अपने साइड से दोगुना साइज हो जाएगा, और हल्की आँच ही रखें, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे या फिर जल जाएंगे। और धीरे धीरे चलाते रहें। ये देखिए गोंद अच्छी तरह फूल कर बड़े हो चुके हैं, इसे छान कर निकाल लेंगे। सर्दियों में हमारे यहाँ आटे और गोंद के लड्डू बनाई जाती है, ये शरीर को गर्म रखता है, बहुत फ़ायदे हैं। मैंने लड्डू में जो भी चीज़ें डाली हैं सब बहुत फ़ायदेमंद है। अब उसी घी में मैंने काजू डाला है, इसे भी हल्का फ्राई कर निकाल लेंगे क्रंची होने तक। ये देखिए अब उसी घी में मैंने बादाम डाल दिया है, सबको धीमी आँच पर धीरे धीरे रोस्ट कर लेंगे। यह बहुत ही क्रंची हो जाएगा और लड्डू में खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। अब उसी घी में मैंने थोड़े अखरोट थे वो मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं। अब वही घी में मैं मखाना डाल दूँगी, और इसे भी धीमी आंच पर धीरे धीरे भूनेंगे, और जब ये कुरकुरे हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में मैंने फ्लैक्स सीड डाला है, पम्पकिन के सीड्स डाले हैं, कुकुम्बर सीड्स, और ये चना था और मूंगफली था। सबको हम घी डालकर हल्का फ्राई कर लेंगे। ये पहले से ही भुने हुए हैं, इसको बस घी डालकर थोड़ा फ्राई करना है, इससे इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। और इसे हल्का फ्राई कर हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा फ्राई हो गया है। अब मैंने थोड़े पिस्ते लिए हैं, उसको भी घी में छान कर निकाल लिया है। ये सभी चीज़ों को एक साथ रखेंगे, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, पिस्ता, सभी को हम थोड़ा थोड़ा अलग रखेंगे। ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ रोस्ट हो चुकी हैं, मखाना, गोंद और सब कुछ। अब हम गोंद को इस तरह गिलास से दबाकर, या फिर आपके पास कोई मैसर है तो आप उसे दबाकर इस तरह से बारीक कर लें। लास्ट टाइम मैंने लड्डू बनाया था तो मैंने इसे मिक्सी के जार में पीस लिया था, तो वो पूरे पाउडर जैसा हो गए थे, पर इस तरह करने से ये दरदरा होंगे और लड्डू खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। ये देखिए
लड्डू जब हम खाएंगे तो वो बहुत कुरकुरा रहेगा, उसमें अच्छा लगेगा। तो अब मैंने थोड़े अंजीर ले लिए हैं, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये देखिए कितने छतर कद्दूकस हो गए हैं। जो बच गए हैं उसको मैंने किशमिश के साथ छोटे छोटे बारीक टुकड़े कर लिए हैं। और ये मैंने काजू को छोटा छोटा टुकड़ा में काट लिया है। बादाम, अखरोट, पिस्ता जो भी था आधा मैंने बारीक टुकड़ों में कर लिया है और आधा पीसने के लिए रख दिया है। अब मैंने कढ़ाई में घी डाला है, 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे और बेसन को डालेंगे और धीमी आंच पर इसे भूनेंगे जब तक इसमें से खुशबू ना आने लगे, तब तक हम इसे धीमी आंच पर भूनते रहेंगे। ये देखिए बेसन हमारा भुन गया है, अब हम उसमें डाल देंगे। अब हम मिक्सी का जार लेंगे और ये सारे नट्स, सीड्स, ड्राई फ्रूट्स जो भी हैं सबको डालकर दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए अभी इसमें थोड़े थोड़े मोटे दाने हैं, इसे 1-2 बार और चला लेंगे। इसे महीन पाउडर नहीं करना है, इसे बस बारीक दरदरा करना है। बारीक दरदरा होने से लड्डू बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। ये देखिए ये मैंने पीस कर इसमें मिला लिए हैं। अब मैंने ये रागी का पाउडर जो है इसे मैं घी में फ्राई कर रही हूँ रोस्ट करके, उसे भी मिला लूँगी। अब मैं सारी चीज़ों को एक बड़ा सा पेपर बिछा कर, या आपके पास कोई बड़ा बर्तन है तो उसमें डाल लें और सारी चीज़ें इसमें मिला लें। ये देखिए, और मैंने बोला था ना मेरे पास बहुत कुछ नहीं था, मैं मार्केट से लेकर आई हूँ, तो मैंने सफ़ेद तिल लाई हूँ। इसे मैंने 2 पैकेट लिया है क्योंकि ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और गर्म भी होते हैं। हमारे यहाँ सर्दियों में तिल और गुड़ के लड्डू बनते हैं और मैं छुआरा लेकर आई हूँ, तो मैंने सफ़ेद तिल को रोस्ट कर लिया है और छुआरा को भी बारीक कट कर लूँगी। अब घी में मैंने आटा डाला है और इसे धीमी आंच पर भुनेंगे। ये घी थोड़ा कम पड़ गया था तो मैंने दोबारा घी डाला है और धीमी आंच पर इसे मैंने भून लिया है और आटे की खुशबू आने लगी है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, और ये सफ़ेद तिल जो मैंने भुना था तो मैं इसमें 2 मुट्ठी ऐसे ही मिला दे रही हूँ, और जो बचा है उसको मैं मिक्सी में डालकर दरदरा पीस लूँगी। और ये मैंने गेहूं का आटा जो भुना था वो मिलाया है। अब मखाना को भी दरदरा पीस कर मिला लेंगे। और ये मैंने सूखा नारियल लेके आई थी तो उसको भी कद्दूकस करके मिला लूँगी। और ये गुड़ लिया है मैंने, गुड़ में थोड़ा पानी डाला है और इस मिश्रण में मैंने इलायची पाउडर मिलाया है 2 छोटे चम्मच, और ये गोल मिर्च पाउडर मिलाया है, थोड़ा हल्दी पाउडर मिलाया है। ये नटमेग है जायफल, यह भी शरीर को गर्म रखता है, इसको भी मैं कद्दूकस कर लूँगी। ये देखिए कितनी अच्छी तरह कद्दूकस हो जाते हैं, इसको भी इस मिश्रण में मिला लेंगे। और मैंने छुआरा को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है तो वो भी अब हम इस मिश्रण में मिला देंगे। और ये बारीक कसा हुआ नारियल उसको भी मिला लेंगे। जब तक हमारे गुड़ पक रहे हैं हम इस मिश्रण में सब कुछ मिला लेंगे। गुड़ की हमें चाशनी नहीं बनानी है, न 1 तार की न 2 तार की, बस चिपचिपा होने तक उसे हम पकाएंगे। उसमें से बस चिपचिपापन हो जाएगा तो हम गैस बंद कर देंगे। अब हम इस मिश्रण को अच्छी तरह हाथों से मिला लेंगे। देखिए बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स बहुत ही अच्छे लगेंगे लड्डू में खाने में। और मैंने अच्छे से मिश्रण को मिला लिया है और एक बर्तन में थोड़ा मिश्रण निकाल लिया है। अब हम इसमें गुड़ की चाशनी डालेंगे। ये देखिए जितना ज़रूरत हो आप उतना ही डालें, थोड़ा थोड़ा करके, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और हाथों में घी लगाकर इसका फटाफट लड्डू बना लेंगे। इस तरह हाथों में अपनी हथेली पर घी लगा लें और दोनों हाथों से दबा दबा कर लड्डू बना लें। ये मिश्रण जब ठंडा हो जाता है तो लड्डू बनते नहीं हैं, इसीलिए इसे गर्म गर्म ही जल्दी जल्दी लड्डू बना लें। ये देखिए मैं लड्डू बनाते जा रही हूँ और प्लेट में रखती जा रही हूँ। ठंडा होने के बाद लड्डू को आप एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं और ये महीनों तक ख़राब नहीं होते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी हेल्दी लड्डू है, ये ठंड के मौसम में ज़रूर से ज़रूर बनाएं और खाएं। और ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बना है क्योंकि गुड़ का मुझे पाक नहीं बनाना है,
गुड़ को बस चिपचिपा होने तक ही पकाएं। आप ज़्यादा गुड़ का पाक बना देंगे तो ये टाइट हो जाएंगे, और ये बहुत ही हेल्दी लड्डू हैं। यह सर्दी जुकाम, कमर दर्द और घुटनों के दर्द में भी बहुत फ़ायदेमंद है। ठंड के मौसम में तो इसे आप ज़रूर बनाएं। और ये जो मैंने ड्राई फ्रूट्स कट करके डाला है, यह लड्डू में खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मैंने लड्डू की ये बहुत ही स्वादिष्ट हेल्दी रेसिपी बताई है। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।